Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. भारतीय रेल के कर्मचारियों ने इस COVID-19 के तहत जब एक आम नागरिक घर से बाहर निकलने में घबरा रहा था, भारतीय रेल के कर्मचारियों ने मालगाड़ियों के सफल संचालन के लिए देश की जनता को समय पर खाद्यान्न मिला, पेट्रोलियम मिले, बिजली के उत्पादन के लिए कोयला मिले, सैनिक साजो सामान का आवागमन सुचारू रूप से रहे, इसके लिए लगातार मालगाड़ियों का संचालन करने का काम किया. और जितनी मालगाड़ियाँ आए दिन आम दिनों में चलती हैं उससे डबल गाड़ियों का संचालन भारतीय रेल के कर्मचारियों ने करने का काम किया. इसके अलावा पार्सल ट्रेन का काम, श्रमिक स्पेशल का काम और दूसरी अन्य आवश्यक ट्रेनों का संचालन भी बखूबी करने का काम किया. और भारतीय रेल के कर्मचारी भी किसी कोरोना योद्धाओं से कम नहीं थे, लेकिन भारत सरकार ने उनको अप्रिशिएट करने की बजाय बल्कि भारतीय रेल के कर्मचारियों का और समस्त केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को अगले 18 माह के लिए 1.5 साल के लिए फ्रीज करने का जो काम किया है, इससे भारतीय रेल के कर्मचारियों में आक्रोश है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना के इस काल में भारतीय रेल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करके जिस तरह से गाड़ियों का संचालन किया उसको अप्रिशिएट नहीं करके बल्कि एक प्रोत्साहन देने के बजाय एक दंड के रूप में महंगाई भत्ते की कटौती की जा रही है. आए दिन नए नए आदेश जारी करके और कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ाने का काम किया जा रहा है, कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात की जा रही है, निजीकरण के लिए नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, जो कर्मचारी कल्याण के काम थे उनमें फंड की कटौती करने का काम किया जा रहा है. इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज से 1 जून से 6 जून तक एक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया है. इसमें हम तमाम कर्मचारियों को ये हैंडबिल पहुंचा करके और उनको इस बात के लिए जागृत करने का काम कर रहे हैं और उसके बाद में 8 जून को एक विरोध दिवस के रूप में हम भारत सरकार तक अपनी इस बात को पहुँचाने का काम करने का काम करेंगे. मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज. ये बस ना भी दो मीटर.